अस्सलाम वालेकुम हबीबी, चाहे आप सैयद हो, शेख हो, इमन हो या पठान, सबके लिए 1% पेमेंट प्लान। फिर चाहे आप बुजुर्ग हो या जवान, सबके लिए 1% पेमेंट प्लान 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे संपर्क करें। रेडी? मुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुमरा के दारुल फला मस्जिद के पास और आपको बता दें कि आज जो है दारुल फला मस्जिद के पास जो है जुमा की नमाज खत्म होने के बाद यहां पर जो बीजेपी के सांसद हैं रमेश बिधूरी, उनके खिलाफ जो है यहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने एक सांसद के मुस्लिम सांसद के खिलाफ जो है अपशब्द कहे थे, आतंकवादी, उग्रवादी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया था और माफी मांगने के लिए जो है रमेश बिधूरी की मांग की जा रही कि वो जो है माफी मांगे। और यहाँ पर आज जुमा की नमाज खत्म होने के बाद विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या बताएंगे महेश भाई, आज आप यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? कुछ दिन पहले आपने देखा होगा दिल्ली से एक सांसद है रमेश बिधूरी, उन्होंने सांसद में पार्लियामेंट हाउस में एक माइनॉरिटी के खिलाफ दानिश अली उसकी सब ऑफेंसिव लैंग्वेज इस्तेमाल किया, उन्होंने उन्हें कटवा कहा, मुल्ला कहा, आतंकवादी कहा। ये सांसद है, वो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में से ऐसे अपशब्द एक सांसद कह रहा है, ये क्या कर रहा है, ये बीजेपी क्या चाहती है? उस सांसद से, जो सांसद से हमारे हिंदुस्तान के रूल्स बनते हैं, उस सांसद से एक माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हैं, वो लोग माइनॉरिटीज कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। ये देश को किस दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं, ये क्या करना चाह रहे हैं? क्या ये दंगा फैलाना चाह रहे हैं वहां से? इनको वहां से क्या संदेश देना चाहिए, क्या संदेश दे रहे हैं? जब अंदर इनका ये तेवर है तो बाहर लोगों का क्या हाल होगा, बाहर इनके तेवर क्या हाल होंगे? जिस तरह से मुसलमानों के साथ जिस तरह से व्यवहार हो रहा है, अलग अलग वीडियो से कहीं आई सामने, और उसके बाद अब बीजेपी के जो खासदार हैं उन्होंने संसद के अंदर इस तरह का व्यवहार किया। जो यहाँ के एमएलए हैं जितेंद्र वाट, उन्होंने भी बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी जो है वो मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैला रही है। जी हकीकत बात है, उन्होंने जो सामने बताई दिया ना पार्लियामेंट में दानिश अली को, उन्होंने बताई दिया वो मुसलमान है, तो 100% दे आर टारगेटिंग मुस्लिम्स, 100% वो टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को। अभी इलेक्शन करीब में तो ये लोग ऐसे ही सब करते रहेंगे, ये सब बेवकूफी वाला काम कर रहे हैं पार्लियामेंट से। जिस पार्लियामेंट से हमारा रूल्स बनता है उस पार्लियामेंट से वो लोग क्या संदेश देना चाह रहे हैं, हमारे को समझ के बाहर। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर मुसलमान जो है वो अपने आप को कहां से समझे? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के साथ उनका अल्लाह है, बेशक अल्लाह है, अल्लाह साथ देगा। बस हमें ये है कि हमें जो मुसलमान इस वक्त पेशेंस रखा है बहुत जरूरी है, पेशेंस रखे, इंशाल्लाह अल्लाह हमारा साथ देगा, अल्लाह हमारे साथ है। काली पट्टी बांधकर यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है जुमा की नमाज के बाद। आप देखेंगे और भी लोग मौजूद है। क्या नाम है? जहूर अहमद। क्या बताएंगे आप इस पूरे मामले को लेकर? देखिए पार्लियामेंट में जो हो रहा है कोई ठीक नहीं है, एक माइनॉरिटीज को लेकर इतने गाली गलौज वाले अपने शब्द यूज करना क्या मैसेज जाएगा दुनिया के अंदर? अब इनका जो मसाइल जो था बाबरी मस्जिद का शहीद हो गया, सक्सेस हो गया, अब इनको कुछ बहाना चाहिए तो हिंदू मुस्लिम में झगड़ा पैदा करके सब साजिशें चल रही है, ठीक नहीं है, ये देश के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो आपने सुना कि दारुल फलाह मस्जिद के पास में यहाँ पर जो है काली पट्टी बांधकर और जो बीजेपी के सांसद हैं रमेश बिधूरी, उन्हें माफी मांगने की बात की जा रही कि वो जो है माफी मांगे, और इसीलिए यहाँ पर आज जुमा की नमाज खत्म होने के बाद मुस्लिम समुदाय के तरफ से जो है ये एहतजाज किया जा रहा है।